नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शहर ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर आज शुक्रवार की शाम AIMIM यूनिट ललितपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले वर्ष 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शाम को करीब 8 बजे सैकड़ों की संख्या में AIMIM के कार्यकर्ता घंटाघर चौराहे पर एकत्रित हुए। उनके साथ शहर के आम नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को याद किया, साथ ही कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान आज 14 फरवरी आज ही के दिन पुलवामा में जो शहीदों के साथ जो हादसा हुआ था उसके लिए हम लोग 44 शहीद देश के शहीद हुए थे उसके लिए आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और सब लोग वंदे मातरम का नारा श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं दीपक चमार कसाई मंडी से हूँ और जो सन 2019 में 44 जवान जो पुलवामा आतंक में शहीद हुए थे हम लोग उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।